हाय फ्रेंड्स, खाना खजाना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कद्दू के चने के दाल की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है मैंने। इसके अंदर हम एक बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे या फिर बटर डाल देंगे, इसे गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम एक तेज पत्ता, चार लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। इसे चटकने देंगे। अब हम इसमें दो स्लाइस की हुई हरी मिर्च डालेंगे, इसका तड़का देंगे। लाल हो चुका हरा मिर्च, अब हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। अरे, एक बड़ा कांदा था जिसे मैंने बारीक काट लिया है, उसे भी डाल देंगे। और इसे हमें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक हमारा कांदा लाल हो रहा है, तब तक हम अपने मसाले पीस लेते हैं, लहसुन, अदरक और मिर्ची। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कांदे जो है वो लाल हो चुके हैं, बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपने कद्दू डाल देंगे। देखिए, मैंने इस साइज के कद्दू को काट लिया है। इसे डालकर अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे। फ्रेंड्स, इसे भी हमें 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेना है, ज़्यादा नहीं, बस हमें 5 मिनट के लिए ही इसे भूनना है। फ्रेंड्स, हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे तले में ये चिपके ना। 5 मिनट हो गया है, हमारा कद्दू बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर अपने चना दाल डाल देंगे। ये मैंने 1 कप चना दाल लिया था, इसे 2 से 3 पानी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश कर इसमें डाल देंगे। इसे भी हमें 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है दाल को। इस तरह भूनने से दाल में टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। बीच बीच में चलाते रहे फ्रेंड्स, नीचे तले में ना चिपके। ये दाल हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले पीसे हुए डाल देंगे, जो हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च पीसा था। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे, यानी कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा तो ये खुद ही ऑयल भी छोड़ देता है और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू सी आने लगती है। देखिए, मसाला भी हमारा नीचे चिपक रहा है, यानी कि मसाला बहुत ही अच्छे से हमारा भून चुका है। इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। 1 कप हमने चना दाल लिया था, उस हिसाब से हम इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चना दाल थोड़ा टाइम लेता है पकने में। एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया इसमें। इसे भी एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसे हमें 6 से 7 सीटी आने तक के लिए पकने देना है। जब तक कि 6 से 7 सीटी नहीं आए, चने का दाल है तो ये सीटी ज़्यादा लेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 6 सीटी हमारी पूरी हुई, ये 6ठी सीटी है। गैस को बंद कर देंगे और इसका जो है प्रेशर निकलने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, गैस का प्रेशर निकल गया कुकर का, खोल लेते। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा चना का दाल। देखिए, बहुत ही अच्छे से यह पक चुका है, कद्दू भी इसमें अच्छे से मैश हो चुका है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाए और खाने में भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे। मिक्स कर लेते एक बार। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स,
आप इसे चावल से, रोटी से, किसी भी चीज़ से खाइए, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा ये कद्दू का चने का दाल। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।